मुरादाबाद में 15 अगस्त के मौके पर शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और निजी संस्थानों सहित सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अधिकतर लोगों के मकानों और दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं मुरादाबाद के पुलिस लाइन में भी 15 अगस्त को लेकर पूरी तैयारी की गई थी, जिसके तहत पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण किया गया, जिसमें जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी शामिल रहे। पुलिस लाइन में SSP हेमराज मीणा ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद पुलिस की सराहनीय सेवाओं के लिए 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा पेंशनर्स, पुलिसकर्मी और शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त हमारे जो जनपद के अधिकारी है, राजपत्र अधिकारीगण और सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आज हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को भी भिन्न भिन्न जगह से सम्मानित किया गया था, जिसमें 10 लोग हमारे 112 ADG सर के द्वारा इसमें सम्मानित किए गए हैं। एक जो पदक है वो आदरणीय जो गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्री जी के द्वारा दिया गया, 5 जो आदरणीय DGP महोदय के द्वारा डिस्क दी गई है और 5 DGP महोदय के द्वारा उत्कर्ष सेवा सम्मान दिया गया 5 लोगों को, 9 लोगों को आदरणीय जो गृह मंत्री जी के द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है और 2 लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सराहनीय सेवा चिन्ह उनको दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों को आज यहाँ पर प्रशस्ति पत्र और उनको पुरस्कार यहाँ पर वितरण किया गया। और इसके अलावा जो पेंशनर्स थे हमारे उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है और जो शहीद के जो परिवार के जो सदस्य थे उन लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी गरिमापूर्ण माहौल में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इससे पहले जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में, सभी कार्यालयों में भी झंडारोहण किया गया और जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है वो सभी जगह आयोजित किए गए। अभी तक के जो सारे कार्यक्रम हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से माहौल में कराए गए।